भयंकर प्रणव भैया क्या हो गया? मेरा ना नंबर पता नहीं कहाँ से लीक हो गया। ओह शिट, के वाला फेरेंगे ना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार भोपाल के लोगों से मिलने के लिए। इसे उठाओ पहले, इसे उठाओ। उठाओ तो सही भाई, नहीं उठेगी हम दोनों से। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज इस ब्लॉग की शुरुआत आखिरी बारी हो रही है झांसी से। एंड मैं आपको बता देता हूँ, मनीष भैया का एक मस्त सा स्कूल है यहाँ पर, एंड यहाँ बहुत चिल्लर चिल्लर गाएंगे। तो मनीष भैया ने कहा था एक बारी जब तू यहाँ से निकलेगा तो बच्चों से मिलते बताइए। एंड अभी ना बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे हो रखे हैं, सबको भी बुलाया जा रहा है नीचे मिलने के लिए। तो अभी हम लोग उन सबसे मिलने जा रहे हैं। जो बच्चों से मिलने में ना इतनी खुशी मिलती है भैया, क्या एक्साइटमेंट होगी ना बच्चों की। हम भी तो मिलते थे ना जब कोई सेलिब्रिटी आता था स्कूल में। ये ना ऐसे रिमोट एरिया है, यहाँ के बच्चों को इतनी एक्सेस भी नहीं है। हम लोग ना बेसिकली अभी एक गाँव में रुके हैं, सो बहुत मजे आने वाले गाइस नीचे जा करके। तो नीचे चलते हैं एंड मिलाते हैं आपको बच्चों से। क्या बोलेंगे भैया बच्चों को, पढ़ाई अच्छे से करते हो नहीं करते हो? ज्योग्राफी के सवाल पूछ लिए। वाह, मेरे को खुद नहीं पता ज्योग्राफी कितने कॉन्टिनेंट होते। सात ना है ना? सात होते। सात, वो थैंक यू सो मच, बच गया मैं। और बताओ कैसे चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई एकदम मस्त। कौन कौन सी क्लासेस के बच्चे यहाँ पे? सो हेलो जी, अभी हम लोग आए थे KVM इंटरनेशनल स्कूल झांसी में, और यहाँ के बच्चे ना मोहब्बत है, और ये चेक कराते हैं आपको। चलो ठीक है, बाइक की आवाज सुनोगे तुम लोग? तो गाइस अभी बड़े बच्चों से मिल लिया, आप छोटे बच्चों से मिल के आते हैं, फिर हम लोग बाइक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? दो मिनट में, ठीक है? ओके। मैंने स्कूल वाली जनता से पहली बार ही मिल रहा हूँ गाइस, एंड ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को पहले भी पता है कि मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, एंड जब मैं स्कूल में जाता था ना तो बच्चे ना बहुत खुश रहते थे, एंड मैं सबको ना चीटिंग भी करवाता था। बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम ना मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स बेस्ड अपॉन योर मेमोरी। जो जितना रट्टा मार सकता है वो कॉपी में उतना लिखेगा, एंड उसके उतने मार्क्स आएंगे। आई गेस आप किसी बच्चे को डिफाइन नहीं कर सकते इस चीज से। सो टैलेंट बोलता है, पढ़ाई लिखाई तो कर ही लोगे। गाइस हम लोग ना बच्चों को थोड़े से रैप बॉम सुनाते हैं, इनके रिएक्शन देखेंगे। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे अगले साल, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करना, बाय। तो गाइस हम लोगों ने ना पैकिंग कर लिया, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मनीष भाई के घर। एक्चुअली हम लोगों को नाश्ता करना है और खाना भी खाना है। तो हियर इज निखिल भाई, जो मैं लेने आया गाइस। निखिल भाई को आप याद करते होंगे नेपाल वाली सीरीज से, बहुत अमेजिंग सीरीज थी गाइस वो। इतने मजे करे थे ना हम लोगों ने, एंड वो जिम करे थे। हाँ, एंड वो सीरीज में जो टाइम बीता था ना वो अनफॉरगेटेबल टाइम था। एंड मैं सोच रहा हूँ वापस से एक नेपाल का टूर बनाया जाए, बिकॉज बहुत सारे लोग नेपाल से जो कॉमेंट करते रहते हैं, बाबू भैया लव फ्रॉम नेपाल, कब आएंगे आप? तो गाइस हायाबुसा नेपाल में भी जल्दी दिखेगी। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंचे थे भाभी के घर, एंड भाभी ने मस्त पराठे और मलाई बनाई है। आप लोगों को पता है जब भी मैं राइड पर रहता हूँ तो मलाई मेरे लिए एक मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और प्रणव भैया के साथ यहाँ पर थोड़ी सी पार्शियलिटी हो रही है। भैया आप तो बड़े हो गए ना, बड़े बच्चे कहाँ मलाई नहीं खाते। मैं तो छोटा ही गाइस, मलाई मलाई खाते हैं। तो गाइस खाना खाने के बाद हम लोग आए थे शेखर भैया के घर, और चेक दिस आउट गाइस, मैं इनका घर स्पेशल क्यों बता रहा था। इस दरवाजे की आप हाइट देख रहे हो, अगर आपने मिर्जापुर देखी हो तो दद्दू का जो घर होता है ना, बोलते हैं बिजनेस हम बराबरी वाले लोगों के साथ करेंगे, बट हम लोग अंदर चले गए गाइस क्योंकि भाई भाई वाला सीन है। बट ये एक्चुअली में 70-80 पुराना साल पुराना घर है, बट घर पुराने से कुछ नहीं होता। स्पीड इनकी 300 Mbps ही थी, ब्लॉक केवल एक मिनट लाइव हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइस इतना रिस्पॉन्स दिखाने के लिए, एंड शेखर भाई बहुत याद रखेंगे हम आपको। बट यार एक्चुअली हम लोग कोलकाता से निकलना है, एंड कोलकाता से बहुत लोग हमारा वेट कर रहे हैं। तो गाइस सारा काम निपट चुका है, अब बस हम लोग बाइक पे सामान बांधते हैं और निकलते हैं कोलकाता के लिए। हम सॉरी गाइस कोलकाता बोल रहा हूँ, कोलकाता लास्ट मीटअप है, बट पहले भोपाल। सो गाइस वी आर रेडी टू लीव फ्रॉम हियर, एंड बाइकों में ना पूरा सामान बन चुका है। हम लोग कल से क्या करेंगे, बस जो ये वाला बैग है वो हम लोग बूसा पे बांधेंगे, एंड बूसा वाला बैग हम लोग इस पे बांधेंगे। बाइक हो चुकी है हमारी कोड शॉट, एंड लेट्स गो टू भोपाल गाइस। एंड यार हम लोगों ने एको में ना पंचर अप करवा लिया था, बट स्टिल तो गाइस वी आर रेडी टू गो। एंड एको को हम पंचर हम लोगों ने लगवा दिया था, बेसिकली ना उसका टायर फ्लैट हो गया था, तो इस वजह से ना हम लोगों को टेंशन था कि कहीं रास्ते में दिक्कत ना हो जाए कुछ। ठीक है निखिल भाई, बहुत मज़ा है आपके साथ, ठीक है? बहुत परसों मिलते हैं, संडे को हमने यहीं से वापस आना है, ठीक है शेखर भाई? ठीक है ओके। तो
यार अभी हम लोग झांसी से निकल रहे हैं एंड हम लोगों को ये लोग थोड़ा छोड़ने आए थे बिकॉज ये पहला स्टॉप था जहाँ से पूरा प्रॉपर हाईवे शो हो जाएगा एंड दिस गोज फॉर भोपाल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार भोपाल के लोगों से मिलने के लिए, क्रेजी सीन है भाई उधर भी। चेक दिस आउट गाइस, क्या मस्त टू लेन हाईवे एंड आज हम लोग ड्रोन शॉट भी लेंगे यार एकदम मस्त वाले। तो यार मैं ना लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था बट हुआ नहीं, वैसे एंड यार झांसी में ना एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, मैं इतना फन था ना। बेसिकली जब आप यूट्यूबर बन जाते हो ना आपको एक परिवार मिल जाता है हर जगह एंड मनीष भैया के साथ सब लोगों के साथ इतना मजा आया, पता ही नहीं लगा कि दो दिन कहाँ बीत गए हमारे यहाँ। हम लोगों का प्लान एक ही दिन का था यार रुकने का, बट वी स्टेड फॉर टू डे एंड अब भोपाल का रूट ऑन हो चुका है हमारा। बेसिकली हम लोग दिन में इसलिए नहीं निकले यार बिकॉज दिन में ना बहुत गर्मी हो रही थी एंड दिन में ओवर हीट हो जाती है बाइक्स, तो फिर हम लोग थोड़ा शाम को ही निकले। अप्रॉक्सीमेटली अभी बज रहे हैं 4:40, 5 ही लगा लो। हम लोग भोपाल सोच रहे हैं कि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे से पहले भोपाल पहुंचे एंड हम लोग सीधा सम्राट भाई के पास ही जा रहे हैं। सम्राट भाई ने चीज़ें अरेंज करी हुई है एंड अच्छा रहता है ना, हर शहर में आपको ऐसे अरेंजमेंट्स मिल जाते हैं। फिलहाल यार आज हमारा ना ड्रोन शॉट लेने का सीन भी है बट हम लोग एटलीस्ट 100 किलोमीटर कवर कर लेते हैं एंड जब तक धूप भी कम हो जाएगी एंड उसके बाद ड्रोन शॉट्स लेंगे। सो लेट्स गो। ये रोड तो इतनी मस्त है ना, अभी पूरी मैक्सिमम टच कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं भूसा कितनी जाती है मैक्सिमम। गाइस वी टच 260, भयंकर लगेज बहुत ज्यादा है ना तो ये हवा में उड़ रही है। फिर भाई हम लोग इस रोड पे से पूरा 299 लॉक कर सकते हैं यार, बस लगेज ना हो बिकॉज लगेज के साथ ना बहुत रिस्की हो जाता है, भूसा ना पूरी ऐसे ऐसे करने लग गई अब। एंड यार मैं जाने वाला हूँ एको में बिकॉज मैंने एको ना बहुत टाइम से नहीं चलाया सच्ची में, आज बहुत दिन बाद चला रहा हूँ मैं से। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी प्यार मोहब्बत एको पे। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एक ब्रिज पर एंड यहाँ पर हम लोग अपना FEV उड़ाने वाले हैं बिकॉज चेक दैट आउट, नीचे क्या मस्त शॉट है यार। बाइक यहीं पर पार्क करते हैं एंड देन उड़ाते हैं अपना ड्रोन। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल हरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना। भोपाल जाते हुए रास्ते कितने सुंदर पड़ रहे हैं, आई नेवर न्यू यहाँ पर इतनी सारी वाटर बॉडीज होंगी यार। और इस टाइम पे ना गर्मी आ रही है तो बहुत सारे आप पंछी देख रहे होंगे ऊपर, दे आर माइग्रेटिंग जस्ट नाउ, और ये बहुत सारे बतकों का भी झुंड है। और ये जो आप ये देख रहे हैं ना ये नॉर्मली सोम्स के एरिया होते हैं यार, यहाँ पर फॉर श्योर बतकों और जितने भी चिड़िया होंगे ना उन सबके घोंसले होंगे यहाँ पर। ओ भाई भयंकर प्रणा भैया क्या हो गया खुल, क्या हो गया ये गिरी कैसे? उठाओ उठाओ इसे उठाओ, पहले बाइक ऑफ करो भैया, अभी भी फ्यूल ना गिर रहा है इसका, उठाओ तो सही, लगेज के साथ नहीं उठेगी लेकिन उठाओ उठाओ इसे उठाओ पहले इसे उठाओ उठाओ तो सही भाई, नहीं उठेगी हम दोनों से। पकड़ो 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 भैया मेरे से नहीं, छोड़ दे बस हो गया, संभाल ली मैंने। फोटो खिंचाने के चक्कर में लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं यार। व्हाट हैपेंड? अरे उस स्कॉर्पियो पे आया बहुत तेजी, देख पूरी स्पीड की मार्क्स बने हुए। अब यहाँ कैसे आए ये तो? कहाँ था ना तेरे लिए? मैं कहा पता नहीं कहाँ रह गया। ओ भाई पहले से स्टैंड करो कोई दिक्कत नहीं, देख सीधी कर देख फ्यूल फैल तो निकले, ऑयल लीक ना हो रहा भैया बस। धक्का मारो बाइक की फेयरिंग तो नहीं लगी
है? फेरिंग टूट गई इसकी। ओह शिट, ये वाला फेरिंग है ना? हाँ। ये वाला फेरिंग भी गया और ये वाला फेरिंग गया। हाँ भैया ये वाला फेरिंग गया, देखो ये देखो क्रैक दिख रहा है? ओ भाई ये तो बहुत अंदर घिसी है। मैं तो आपको देखा आप यहाँ झाड़ियों में, बिल्कुल नीचे तक था यार, वहां से ऊपर उठ के आया हूं। ये बैग इतना भारी पीछे टंगा हुआ। ध्यान रखो आराम से चलाओ यार। अरे मैं खड़ी खड़ी में और क्या, आराम से चलाओ, इससे तो चलता रहता, तेरी वेट ना करता तो सही था। मैं यार फोटोज, वो बंदा भी व्लॉग तो जरूर देख रहा होगा भाई, जो तूने किया ना वो सही नहीं किया यार मेरे साथ, मतलब चोट भी लग सकती थी भाई, जान भी जा सकती थी किसी की। तो उसने उसने फोटो लेने के लिए इतनी मोड़े, गाइस चेक दिस आउट, बेस की टांग, ये देख रहे हो, ये ना टायर के स्किड के निशान है। आप यहां मुझे एक चीज बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप यहां तक कैसे पहुंचे, ये बताओ। मैं तो यहीं पे खड़ा था। हां और मैंने जब देखा ना वो ब्रेक मार रहा है, मैं आगे करने की कोशिश करी भाई, हां स्टार्ट तो थी नहीं बनती, वो आगे करने करने में बाइक इधर गिरी, मैं उधर पलट गया। कोई नहीं, सेफ होना, आप चोट-चोट तो लगी ना बस। गाइस यार पता है एक फोटो के चक्कर में ना भयंकर सीन हो जाता है यार हर बारी। भाई ये बाइक इतनी भारी है ना, हमसे तो नहीं उठती यार ये बाइक भाई, और मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा मैंने प्रणब भैया को ऐसे कैसे देख लिया भाई, शेट। वो तो शुक्र है यार चोट चाट नहीं लगी, एंड आई रियली डोंट वांट ऐसा कुछ हो भी यार। हम लोग बहुत सेफली चल रहे हैं, हम लोग स्पीड अप जरूर कर रहे हैं बट हम लोग ना बहुत सेफली चल रहे हैं, एंड प्रणब भैया ना चोट लगी है बट वो मेरे को बता नहीं रहे, पता आपको। सब सही है ना यार, बस ये राइड ना सेफली कंप्लीट हो जाए। हम पता है अपनी गलती से ना कभी नहीं ढुकते कसम से, या तो वो कोई फोटो खिंचाने आ रहा होता है या तो कोई कुछ और। सो गाइस अभी हम लोग रुके एक जगह, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू चेक ऑन प्रणव भैया। सब सही ना प्रणव भैया, क्या फुटबॉल की तरह पलट गए थे आप तो, हाँ तो मुझे तो हंसी आ रही थी। तो हम लोग जी, हम लोग रुके थे अपने पहले ब्रेक के लिए, एंड हम लोगों ने अभी समोसा ऑर्डर करा गाइस, तो भूख लग रही थी, थोड़ा सा खा लेते हैं। एंड भाई कहाँ फुदक गए थे आप ये बताओ भैया। भाई बस आज तो गलत ही सीन हो गया यार। मैं तो पीछे से देखा, मैंने कहा लाइट जल रही है, तब देखा तो अपनी बाइक की लाइट जल रही है और प्रणव भैया को मैं देख रहा हूँ, प्रणव भैया ऐसे गुलाटी मार के पता नहीं उठने की कोशिश कर रहे थे क्या। मैं तो उठने की कोशिश करी और मैं फुटबॉल की तरह रोल होते हुए पीछे चले गया। एक तो बहुत स्लोप था वहाँ पे, एक तो प्रणव भैया थोड़े बड़े से ना तो गेंद की तरह जा रहे थे, और बाइक इतनी हैवी है ना गाइस लगेज के साथ, इम्पॉसिबल है, हम दो बंदों से वो बाइक नहीं उठी। फिर कैसे ना कैसे करके हम लोगों ने वो बाइक उठाई है, बट गाइस चलो शुक्र है किसी को चोट नहीं आई। एंड जब भी फोटोज खिंचानी होती है ना किसी को तो प्लीज इतना रश मत करा करो, हम लोग रुक जाते हैं हमेशा हाईवे पे है ना। प्रणव भैया को चोट भी लग सकती थी, बाइक भी टूट सकती थी, हम लोग कैसे आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। द थिंग इज गाइस एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरा ना नंबर पता नहीं कहां से लीक हो गया, मेरे को ना इतने कॉल आ रहे हैं भोपाल एमपी से, बाबू भैया कहां पहुंचे कहां पहुंचे। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे को फिर नंबर चेंज करना पड़ जाएगा, प्लीज अगर किसी के पास है भी ना तो प्लीज कॉल कुल मत करा करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी खुद की एक पर्सनल लाइफ है। लोग मेरे को कॉल करके पूछ रहे हैं, हाँ भाई अनुराग डोभाल भैया कहां पहुंचे, भाई कोई मतलब है इस बात का? प्लीज गाइस अगर किसी के पास नंबर है भी ना, और पता है ये नंबर लीक ना अपने में से ही कोई करता है, या कोई रिलेटिव में कर देगा या कोई स्पॉन्सर में कर देगा या जिनमें मैं कंपनी के साथ काम करता हूँ वो लोग लीक कर देते हैं, तो इस चीज का कुछ हल नहीं यार। बट गाइस आई वुड रिक्वेस्ट कॉल मत करना। फिलहाल गाइस हम लोग कहाँ पहुंच चुके भैया, तराई खुरई, खुरई हम लोग पहुंच चुके खुरई, एंड निकलते गाइस भोपाल के लिए, दो तीन घंटे और लगेंगे। सम्राट भाई से बात हो गई, बीच बीच में ना बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी तो हम लोग रुक गए थे, मेरे को टेंशन ये भी है कि गोप्रो भीग जाएगा ना तो फिर डेटा करप्ट हो जाएगा, तो मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता। आज वाला भैया वाला फुटबॉल वाला तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता।